हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। फाइनली आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। झारखंड ITA अनुदेशक का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को अपडेट बताया था और मैंने बोला भी था कि ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आएगा, तो फाइनली रिलीज हो गया है नोटिफिकेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, सैलरी हो, एज लिमिट हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आप सभी हम लोगों का जो वेबसाइट है www.ITAeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और ITA सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, चैनल पर पहली बार आओगे सब्सक्राइबर के बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइज लगभग 900 से ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे, सभी ट्रेडों को अगर सीटों को काउंट कीजिएगा तो 900 से ज्यादा ही पोस्ट है सभी ट्रेडों को मिला करके, और इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को सारा डिटेल बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की ओर से रिलीज किया गया है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप लोग का 8/2023 रहने वाला है, और यहाँ पे सो लिखा गया है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर नियमित। तो देखिए अलग अलग राज्यों में जो गवर्नमेंट ITA में जो पढ़ाते हैं, कहीं पर आप लोग अनुदेशक के नाम से जानते होंगे, इंस्ट्रक्टर के नाम से, कहीं पे ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जानते होंगे, TO से जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशिक्षण अधिकारी, उसी तरीके से झारखंड में प्रशिक्षण अधिकारी के नाम से जाना जाता है इंस्ट्रक्टर को। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग यहाँ पे नाम है, तो बस बोल लीजिए TO कह सकते हैं या अनुदेशक बोल लीजिए, इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, लेकिन झारखंड में यहाँ पे बोला जाता है प्रशिक्षण अधिकारी। तो ये ओवरऑल हो गया। बाद बाकी यहाँ पे मैं पहले एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फी आप लोग को यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, और जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, उनको यहाँ पे 50 रुपया लगेगा, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है। यहाँ पे देखिए सीटों का बंटवारा किया गया है, सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग सीट है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रशिक्षण ड्राइंग में टोटल 95 सीट है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये बता दिया गया है किस कैटेगरी में कितना सीट है। उसके बाद गणित में देखिएगा 90 पोस्ट है टोटल, मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन में 153 है, फिटर में 144 है, मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 42 है, वेल्डर में देखिएगा तो यहाँ पे 74 सीट है, मैकेनिक डीजल में 52 पोस्ट है, सर्वेयर में 18 है, मैकेनिक ट्रैक्टर में 2 है, प्लम्बर में 20 है, RNAC में यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है, मशीनिस्ट में यहाँ पे 20 पोस्ट है, वायरमैन में 10 पोस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर में 2 है, टर्नर में 26 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 18, ड्राफ्टमैन सिविल में देखिएगा तो 4 पोस्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 8 हो गया, सिविल टेक्नोलॉजी कटिंग एंड ट्रेडिंग में 12 हो गया, बेसिक कॉस्मेटिक में 6 है, उसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी में आप लोग का 24 हो गया, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पे देखिएगा 6 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर में 2 पोस्ट है, कोपा में 6 पोस्ट है, कारपेंटर में 6 पोस्ट है, फाउंड्री मैन में 8 पोस्ट है, उसी के तरीके से यहाँ पे देखिएगा एग्रो प्रोसेसिंग में 2 पोस्ट है, सोलर टेक्नीशियन में देखिएगा तो 4 यहाँ पर सोलर टेक्नीशियन में आप लोग का यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में 8 पोस्ट है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस में 6 पोस्ट है, स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर में 2 पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और ट्रेड है वो आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल जो जो इतना मेन इंपॉर्टेंट था वो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो देखिए इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी में 3 क्वालिफिकेशन को मौका दिया जाता है, चाहे वो BTech होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो या ITA होल्डर हो। तो देखिए जिस ट्रेड का है यानी जिस ट्रेड बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिकल बोल लीजिए या इलेक्ट्रीशियन बोल लीजिए, वो बोल लीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली अगर BTech है तो BTech के साथ में आप लोग का यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, डिप्लोमा पास है तो डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ITI पास है तो ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस कहाँ से चाहिए, तो एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है, देखिए यहाँ पे बता रखा है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या संबंधन प्राप्त संस्थान, उपक्रम या प्रतिष्ठान में संबंधित क्षेत्र में आप लोग का अनुभव चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेटरी है जो आप लोग का CITS कोर्स जो होता है वो चीज़ मैंडेटरी है यहाँ पे, ये अनिवार्य योग्यता है, बगैर CITS का आप लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो आप लोग को साथ में अगर कोई भी कैंडिडेट ITA है तो ITA के साथ में उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस CITS चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसी तरीके
तरीके से डिप्लोमा है तो डिप्लोमा रहना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस और वाला CTI रहना चाहिए या CITS बोल लीजिए। कोई कैंडिडेट BTEC है तो BTEC वालों के लिए 1 साल एक्सपीरियंस प्लस CITS अनिवार्य योग्यता है। तो ये सभी रहेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी ट्रेडों के लिए यही सेम क्वालिफिकेशन, बाद बाकी बस ट्रेड का नाम चेंज कर लीजिए। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, लेवल 6 का सैलरी है, ग्रुप B का पोस्ट रहने वाला है। ये आप लोग का ग्रुप B पोस्ट होगा, नॉन गजेटेड पोस्ट होगा, 35,400 बेसिक बनेगा, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। आप लोग का यहाँ पे 55+ ही बनेगा सैलरी, एक अप्रोक्सीमेटली मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है CITS मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है BTEC वालों के लिए 1 साल, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल और ITI वालों के लिए 3 साल, और CITS मैंडेटरी है। सभी में वही चीज़ है, बस आप लोग को बस ट्रेड चेंज कर लीजिए, जिस ट्रेड में वैकेंसी है उस ट्रेड में आप लोग का जो डिग्री डिप्लोमा या आप लोग का ITI रहना चाहिए उसी ट्रेड में। मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप लोग का रहना चाहिए। और इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। देखिए लास्ट टाइम में भी ये नोटिफिकेशन आया था, बाद में कैंसिल हो गया था, क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में जब निकला था लास्ट टाइम उसमें बोला गया था कि जो 10वीं होना चाहिए वो झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए। लेकिन अभी नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग अदर राज्य के भी है तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल एज लिमिट है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, 35 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन के अनुसार यहाँ पे उनके पास सभी कैटेगरी में जोड़ करके बता दिया गया है, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष, यहाँ पे 37 साल हो गया। उसके बाद देख सकते हैं महिला का यहाँ पे देख लीजिए तो 38 साल हो गया, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की पुरुष में महिला के लिए 40 वर्ष हो गया। तो ये आप लोग का एज लिमिट है और मिनिमम आप लोग का 21 ईयर रहना चाहिए, मिनिमम 21 साल। अगर 21 साल से कम रहे तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल नहीं है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल है। और जो एज रिलैक्सेशन के मिला करके यहाँ पे सभी का कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये आप लोग का हो गया एज लिमिट के बारे में। ये फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन भरा जाएगा, तो मैं भी आप लोग को ऑनलाइन भी अप्लाई डेट बता देता हूँ। बाद बाकी यहाँ पे अदर राशि कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मैंने वो बता ही दिया हूँ। मेन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो भी बता दूंगा। तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए। तो 23 जून से ये फॉर्म भरा जाएगा 11 बजे से और 22 जुलाई 2023 तक ये आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेन इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस गाइस आप सभी का यहाँ पे टोटल 3 स्टेज होगा, 3 पत्र बोल लीजिए, और तीनों चीज़ जो होगा ये CBT में होगा, और सभी जो तीनों पत्र जो होंगे तीनों स्टेज होगा वो 2-2 घंटे का होगा, और सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और जो गलत उत्तर के लिए यहाँ पे आप लोग का 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। तो पत्र 1 जिसको हम लोग स्टेज 1 बोल लीजिए, तो पत्र 1 जो होगा वो विषय का होगा, विषय में आप लोग का भाषा और सामान्य ज्ञान रहेगा। भाषा में आप लोग का देखिएगा तो हिंदी सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 25 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान में देखिएगा तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान से 10 प्रश्न। तो कुल आप लोग का 120 प्रश्न रहेगा आप लोग का पत्र 1 में, और यहाँ पे सभी पत्र में आप लोग का 2-2 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग तीनों में रहेगा, 1-1 अंकन निगेटिव मार्किंग तीनों में रहेगा, और सही उत्तर के लिए 3 मार्क मिलेगा। और ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे मिनिमम जो है 30% लाना अनिवार्य है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो स्टेज 2 बोल लीजिए, पत्र 2 बोल लीजिए, ये विषय का आता है और किन्हीं में से आप लोग का जो है ये संबंधित विषय में आप लोग किसी में से एक में आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे पाएंगे, संबंधित परीक्षा में किसी में से एक में, यहाँ पे देख लीजिए किसी में से एक में ही आप लोग को यहाँ पे देना है, और टोटल 100 इसमें भी प्रश्न रहेगा, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी आप लोग को 30% लाना मैंडेटरी है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन आप लोग का ये है स्टेज 3 जो आप लोग का ट्रेड का जो पूछेगा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आप लोग का जो DGT के जो सिलेबस है, ITI का जो सिलेबस है ट्रेड थ्योरी का, वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे टोटल रहेगा। और ये जो मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 3 पे ही बनेगा, जो आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये देख सकते हैं ये पॉइंट में, स्टेज 1 और 2 ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, मेन स्टेज 3 जो है जो आप लोग का टेक्निकल पेपर होगा वो। तो गाइज आप सभी के लिए फाइनली झारखंड ITI अनुदेश का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है, मैंने आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ, बाकी कोई भी और भी छूट गया
किया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस फॉर्म में ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बाद बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि CITS मैंडेटरी है, बीटेक वालों के लिए 1 साल एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल और IT वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ पे मतलब कि थोड़ा मेहनत करना होगा तभी यहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन मिल पाएगा। बाद बाकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, लेवल 6 का सैलरी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा नॉन ग्रेजुएटेड, आप लोग का बहुत ही सैलरी बनेगा। तो बस एक यही छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था। IT एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।